हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में रजनीश किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राम लड्डू। ये जो हमने राम लड्डू बनाए हैं, एकदम जो मार्केट में स्टॉल लगते हैं ना राम लड्डू के, वैसे ही एकदम रेसिपी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले हमने दाल को भिगोना है, तो इसके लिए हमने 1 कप हमने ली है मूंग की दाल और 1/4 कप हम लेंगे चने की दाल। फिर हमने इसे पानी में भिगो के रख देना है 4 घंटे के लिए। पहले आप दाल को अच्छा वॉश कर ले 3 से 4 बार, फिर उसके बाद आप 4 घंटे के लिए रखें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि दाल अब हमारी अच्छी तरह पानी सोख कर चुकी है, तो अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने मिक्सी जार लेना है और उसमें हमने दाल डालनी है। दाल डालने के बाद हम इसमें 1 इंच अदरक का डालेंगे और कुछ 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे। मिर्च आप वैसे अपने थोड़ा टेस्ट के हिसाब से ही डालें। फिर हमने इसका पेस्ट बना के रख लेना है। तो ऐसे ही हमने पूरी दाल का पेस्ट बना के रख लिया है। तो अब हम इसमें 1 चुटकी एकदम हींग डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे नमक 1/2 चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें वैसे। और उसी के साथ थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमने सिर्फ 1/4 स्पून डालना है, इसे ज़्यादा मत डालें। तो फ्रेंड्स, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये, जिसको हमने दाल को फेंटते रहना है कुछ 15 मिनट के लिए। जैसे ही आप फेंटते रहेंगे इसके, आप जैसे आपने कलर देखा है अब एकदम चेंज हो चुका है। तो जैसे ही आपका ऐसी दाल का कलर चेंज हो जाए और एकदम स्मूथ सा बैटर बन जाए, तो इसका मतलब अब आपकी ये दाल के पकौड़े बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो हमने कढ़ाई में तेल रखना है एकदम गर्म होने के लिए, फिर हम इसमें ये पकौड़े डालेंगे। ऐसे हमने छोटे छोटे ऐसे गोले बना के हमने इसको तल लेना है। जैसे कि आप स्टॉल में देखते हैं कि उन्होंने 2 बार फ्राई करते हैं पकौड़ों को, तो हम भी इसको 2 बार ही फ्राई करेंगे। फर्स्ट टाइम हमने इसे थोड़ा सा तल लेना है जिससे अंदर तक पकौड़े तल जाएं। फिर हमने जो नेक्स्ट टाइम इसमें फ्राई करेंगे उससे ये काफ़ी अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाते हैं। तो जो हमने फर्स्ट टाइम फ्राई करना है वो कुछ 1 मिनट के लिए ही हम फ्राई करेंगे, उससे ज़्यादा ना फ्राई करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने इसे फ्राई किया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। इसी तरीके से हम पहले अपने सारे दाल के पकौड़े बना के रख लेंगे। फिर उसके बाद जब पकौड़े थोड़े से रूम टेम्परेचर में आ चुके होंगे, तब हम इसे सेकेंड फ्राई देंगे, या आप इसे तब फ्राई करें जब आपने खाना है। इसे काफ़ी अच्छी तरह फ्राई हो जाते हैं, इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा आता है सेकंड फ्राई से। तो अब हमने अभी भी इसे कुछ 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है कि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो अभी अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसका आता है सर्विंग टाइम। तो इसके लिए हमने प्लेट में राम लड्डू लगा देने हैं। राम लड्डू नहीं, मूंग के दाल के पकौड़े। इसको आप पहले अच्छी तरह नीचे ऐसे बिछा दें प्लेट में। फिर हमने इसमें कद्दूकस की हुई मूली और उसके अंदर थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल के मिक्स किया हुआ हमने अच्छी तरह वो, तो उसको हमने अच्छी तरह इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है ऐसे। फिर हम इसमें धनिए की चटनी बना के डालेंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारे राम लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। तो हम आपको टेस्ट करके भी बताएंगे कि ये कैसे बनके तैयार हुए थे।
सो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।